बार सरकार में नौकरी देने के लिए वह खुद बताएं कि उन्होंने आज तक 15 वर्षों में जब उनका शासन था और केंद्र सरकार ने सारी राशि दी थी उस समय सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की सैलरी के लिए कोई योगदान बिहार को नहीं करना था, उसके बावजूद भी उन्होंने किन परिस्थितियों में 15 वर्ष किसी को नौकरी नहीं देने का काम किया, इसका जवाब तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। आज अभी भाजपा कार्यालय के सामने विजय सिन्हा कमीशन के विरोध हुआ, सुशील मोदी की गाड़ी को रोका गया, उनके आगे सोचा लोग सो गए, धक्का मुक्की हुई, हाथा पाई तक की स्थिति बन गई, बहुत बुरावत। देखिए, हर किसी की अपनी आकांक्षा होती है, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय समय पर करेगी, सभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन समय पर करेगी, पर कुछ लोग जानबूझ करके किसी उम्मीदवार का स्थिति खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से जिस व्यक्ति के लिए कोई जो यह कार्य करता है उसी को नुकसान होगा। तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ जो व्यक्ति आया है उसकी प्रदेश में पहचान बने, और इसीलिए वह उचित के बदले अनुचित तरीके से प्रचार करते हैं कि जिनके जो बेचारा साथ उनको लेके आया है उन्हीं को नुकसान पहुंचाने का कार्य ऐसे तत्व करते हैं। बिहार चुनाव में किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो किसानों के लिए माननीय मोदी जी ने किया है वह मुद्दा रहेगा। 80 लाख किसानों को हम लोगों ने सुविधा दी है राशि की, वह मुद्दा रहेगा। दिक्कत क्या है कि जो अनपढ़ है वह खुद ही नहीं जानते हैं। आज जो योजनाएं पास हुई हैं उनका तो बिहार में कोई रोल ही नहीं है। बिहार में पहले से यह सुविधा उपलब्ध है कि किसान जहाँ चाहे वहाँ अपना सामान बेच सकता है, और इसको आज इस बात को उठाने का केवल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो वही इसको मुद्दा बना सकता है, जहाँ पे नियम ही नहीं है। यहाँ तो पहले से नियम है, और हर व्यक्ति को और हर किसान को यह हक होना चाहिए कि अपना सामान जहाँ चाहे वहाँ बेचे, न कि एक खास साजिश के तहत कि इस इलाके के लोग इसी व्यक्ति को सामान बेचेंगे, इसी चावल मिल को सामान बेचेंगे, इसी फ्लोर मिल को सामान बेचेंगे, जिससे कि वह उनके हाथ की कठपुतली किसान बन जाए। इसी के खिलाफ यह बिल है। इस जिन राज्यों में यह लागू था वहाँ मजबूरी थी, आपको कोई अनाज का दूसरे जिले में ज़्यादा दाम दे रहा है तो भी आप नहीं बेच सकते थे, और इससे मुक्ति का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। दोनों में पहले अंतर समझिए। वहाँ पर जो स्थिति है, वहाँ पे जो जिले या ब्लॉक की मंडी है वहाँ पे किसान बाहर बेच नहीं सकता, हम उसका विरोध कर रहे हैं, पर बिहार में तो यह मुद्दा ही नहीं है। उसके बावजूद अगर बिहार में इसकी कोई चर्चा कर रहा है तो उसके बुद्धि पर जाहिर बात है कि वह पढ़ा।